नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, मैं यशवंत। भारत जैसे देश को किस प्रकार से पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, भारत जैसे देश को किस प्रकार से नीचा दिखाने के लिए कुछ सर्वेक्षण जारी किए गए हैं, जो हमारे देश के खिलाफ एक तरह से साजिश किया जा रहा है, और उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। किस प्रकार से गलत रैंकिंग के द्वारा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे RSF, जिसको बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कुछ लोग इसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर भी नाम से जानते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, 1985 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, जो फ्रांस जैसे देश में पड़ता है। अब इसने 180 देशों की सूची में भारत जैसे देश को 142 पायदान पर रखा है, मतलब 142वें स्थान पर रखा गया है। और ये जो है दोस्तों, ये प्रेस की आजादी जो होती है, फ्रीडम ऑफ जो कहते हैं मीडिया की जो बात होती है, उससे जो है आंकड़े हैं ये उसकी सूची निकालता है। और इसमें जो पहले पायदान पे दोस्तों वो देश है, वो ज्यादातर आपको मिलेंगे यूरोप के ही कंट्रीज हैं। और फर्स्ट पे है नॉर्वे है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, ऐसे तमाम तरह के ज्यादातर आपको यूरोपीय देश मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना कि इस संगठन के प्रति लोकतंत्र की समग्र और उसकी कार्यप्रणाली का जो विश्लेषण है वो गलत तरीके से किया गया है। जो RSF है वो आखिर कहना क्या चाहता है? क्या कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जिनसे हम इतना ज्यादा कमजोर, उसके बारे में भी हम विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, ये करता कैसे है? जैसे क्या होता है ना, ये पहले क्या करते हैं, 87 सवाल निर्धारित करते हैं, उसके बाद 18 एनजीओ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उन एनजीओ को इन सवालों को देते हैं, उसके बाद तकरीबन 150 जो संवाददाता होते हैं, ठीक है, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं इनके अनुसार, उन्हें वो जो सवाल होता है उन्हें स्थानांतरित करते हैं, उसके माध्यम से उस देश की स्थिति जानते हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं कि दोस्तों, तकरीबन ये होता है इसमें, मान के चले भारत के संदर्भ में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें 10% उत्तर देने वाले जो होते हैं विदेशी संवाददाताएं होते हैं। मतलब बात हो रही है भारत जैसे देश के बारे में, जहां पर तमाम तरह की विविधताएं फिर भी एकता है, और उत्तर कौन देगा उस प्रश्नों का, जो 10% जो विदेशी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, और हमारे ही देश की कुछ कह सकते हैं मीडिया हैं जो इस चीज को मतलब पानी पी पी कर, जो रूलिंग पार्टी है खासतौर से बीजेपी, उनको बता रही है। देख लीजिए किस प्रकार से, इसके पिछला जो पायदान था दोस्तों 140 पे था, उसके बाद हम लोग दो पायदान और खिसक गए, 142वें पे आ गए हैं, और इसे लेकर बार बार रोया जा रहा है। तो आपको बता दें ये पूरी तरह से गलत है, और मैं विश्लेषण के आधार पर और तमाम देशों के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में जब मैं विश्लेषण यहाँ पे करूंगा ना, तो आप इस चीज को मानेंगे। अब देखिए, जो पहला देश है, मतलब हम बात करते हैं बर्किना फासो, जिसे 36वीं रैंकिंग दी गई है, ठीक है। और अमेरिका की जो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्संस, उसमें दोस्तों सीधे सीधे कहा गया है कि जो बर्किना फासो है एक ऐसा देश है जहां पर आज भी गुलामी अभी जारी है। तकरीबन 82,000 लोग गुलामी की जो दास्ता की जो जीवन है उसी से रिलेटेड वो जी रहे हैं। अब सोचिए, एक ऐसा देश जहां पे वहां की जो मीडिया है वो एक्सपोज नहीं करती है कि आज भी वहां पे किस प्रकार से जो वहां के वर्कर हैं उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता है, और ये बातें वहां की मीडिया सार्वजनिक नहीं करती है, और ऐसे में क्या वो हमसे ऊपर है, वो 36वें पायदान पर है। चलिए इसे छोड़ते हैं, मालदीव के बारे में बात करते हैं, जिसे मिला 79 पोजिशन मिला है। वहां पे जानते हैं क्या है, इस्लाम के विपरीत देश में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। सोचिए मालदीव जैसा देश जहां पे पूरी पूरी तरह क्या किया जा रहा है, धर्म को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है, संविधान को नहीं, उस देश को जिस पुस्तक के माध्यम से संचालित किया जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। पहला जो कह सकते हैं वहां पे प्राथमिकता है वो दिया जा रहा है इस्लाम को। और आपको बता दें, मालदीव जैसे देश में गैर मुसलमान वहां का नागरिक नहीं बन सकता, और ऐसे देश हमसे पायदान पर बहुत ऊपर है। सच्चाई ऐसे ही खोली जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ओमान की, जिसकी रैंकिंग है 135वें स्थान पर। और ओमान के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, इस्लामी शरिया कानून का अधिकार है। हमारे यहाँ पे तमाम तरह के जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, वहां पर जानते क्या है, वो शरिया
के हिसाब से दिया जाता है, और लैंगिक समानता भी नहीं है। हमारे यहाँ होता है ना कि जैसे महिलाओं को तमाम तरीके की फैसिलिटीज दी गई है, गवर्नमेंट जॉब में 33% जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जानते हैं कि यदि आप पुरुष हैं तो पहला वर्चस्व आपको मिलेगा। वहां का संविधान कहता है कि राज्यों का प्रमुख मुस्लिम पुरुष होगा। अब सोचिए, जो वहां का मेन शासनाध्यक्ष होगा वो पुरुष ही होना चाहिए, महिला नहीं होना चाहिए। एक ऐसा देश जहां पर इतना भेद करता है, जेंडर में भेद करता है, ऐसे देश को 135 पायदान पर रखा गया है, और भारत जैसे देश में, हम आपको बता दें कई गल्फ कंट्रीज ऐसे हैं कि अब जाकर महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए, कि मुस्लिम महिलाएं भी जो है वहां पे फोर व्हीलर चला सकती, अब जाकर 2-3 साल पहले स्वतंत्रता दी गई है। और कुछ देश ऐसे भी आज भी जो प्रतिबंधित हैं इन सारे चीजों पर। महिलाओं को किस प्रकार से दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, हलाला तलाक जैसे कुकर्म अभी भी वहां पर जारी हैं, और ऐसे में वो जो है कि ये बातें क्या वहां की मीडिया नहीं सार्वजनिक करती, उठाती नहीं है, कभी कौन उठाया है दोस्तों? और ये लोग क्या है, हमसे पायदान पे ऊपर है। ये आपका इंडेक्स है। मतलब इसीलिए जो तमाम तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, जो कई देशों का सर्वेक्षण जारी करते हैं, उनकी विश्वसनीयता इसीलिए खतरे में पड़ जाती है, विश्वसनीयता उठ जाती है। आप भी बिकाऊ हैं, रिपोर्टर्स विदाउट जो बॉर्डर्स है वो भी बिकाऊ ही है। अब हम बात करते हैं कुछ ईसाई धर्म के बारे में, ठीक है, जो कुछ कंट्रीज जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में देखते हैं। अर्जेंटीना की बात करते हैं, जो खासकर से दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये दोस्तों 64 पोजीशन इसको दिया गया है। इसमें क्या कहा गया कि जो रोमन कैथोलिक जो वहां पे रिलीजन होता है उसका समर्थन करता है ये जो देश है। इस देश में भी किस प्रकार से धर्म को पहली प्रायोरिटी दी गई है, पहली प्राथमिकता दी गई है, और ऐसे में ये भी भारत से आगे है। मतलब सोचिए, ये स्थिति है देशों की। उसके बाद बात करते हैं माल्टा की, माल्टा जैसे देश के बारे में, जिसे पोजीशन मिला है 81 पायदान पर रखा गया है। इसका भी वही हाल है, धर्म रोमन कैथोलिक होगा। मतलब पूरी तरह से, जिस तरह से कुछ देश हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, उन्होंने क्या कहा है कि हमारे देश की जो पहली प्राथमिकता होगी वो इस्लाम से रिलेटेड होगी। ठीक है, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि नहीं हिंदू से चलेगा, इस्लाम से चलेगा। यहाँ क्या पंथ निरपेक्ष है, सारे धर्मों को समान भाव, समान आदर से देखा जाता है। यहाँ पे पहली प्राथमिकता जो दोस्तों दी जाती है, मानवता को दी जाती है, धर्म के आधार पर या धर्म को नहीं दी जाती है, सोचिए। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वे की, जिसे फर्स्ट पोजीशन मिला है इसमें। यहाँ का जो राजा होता है ना, राजा सदैव इवेंजिकल लूथरन धर्म का प्रचार करेगा। सोचिए, राजा को भी इससे छोड़ा नहीं जा रहा है। राजा का धर्म क्या होता है कि जो अपनी प्रजा है देश की, उसके विकास के लिए, उसको किसी प्रकार की समस्या है तो उसकी बातों को उठाया जाए, उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। पर ये नहीं, राजा का जो पहला धर्म होगा वो इवेंजिकल लूथरन का प्रचार करेगा। मतलब अपने धर्म को प्रमोट करेगा, दुनियादारी जाए भाड़ में। और नॉर्वे में दोस्तों जो हमारे यहाँ राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसे आप समता या समानता का अधिकार कहते हैं, ये भारत जैसे देश में ही है। अब आपको बता दें, जो चीजें भारत जैसे देश में लागू है वो दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगी। इसीलिए जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान का निर्माण कर रहे थे तो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने किया कि देखिए, एक देश के अंदर अगर सारी चीजें होती तो एक ही देश से वो नहीं उठा लेते, पर ये सारे एक देश के अंदर नहीं था, सारे देशों के पास कुछ न कुछ था, तो उन देशों से उन्होंने वो चीज लिया। हमारे यहाँ जिस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, और चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जिस तरह से वहाँ पे मनोनयन के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में, जिस तरह से हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं हमारे भारत जैसे देश में, उसे पूरी तरह से हम खारिज कर देते हैं। तमाम तरह के कानून बने हैं पत्रकारों से संबंधित, यदि आप किसी पत्रकार को गाली गलौज दे दे तो तमाम तरह की धाराएं आप पे लग जाएंगी। भारत वो देश है, और आप कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में प्रेस को स्वतंत्रता ही नहीं है। यहाँ पे हमारा ही एक ऐसा देश है दोस्तों, संवैधानिक पदों पर बैठा, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, उन्हें किस प्रकार से लोग सोशल मीडिया के द्वारा गाली देते हैं, और आप बात करते हैं कि हमारा जो देश है वो किसी प्रकार का राइट नहीं दिया है,
किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं दिया है, स्वतंत्रता नहीं दिया है मतलब मीडिया वालों को। तो हंसी आ रही है हमारे देश में दोस्तों। अगर ये जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जानते क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी मीडिया कर्मी हैं जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं पर गलत दिशा में कर रहे हैं। हमारे भारत जैसे देश को वो स्थिति दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में नहीं है, कि भारत गरीब देश है, भारत में बलात्कार है, महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं है, भारत इनसिक्योर है, भारत में तमाम तरह की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आज COVID-19 की वजह से जो समस्याएं उभर रही हैं और जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज है, संस्थाएं किस प्रकार से भारत जैसे देश के लिए अप्रिसिएशन कर रही हैं, क्या आप वो चीज़ भूल चुके हैं? तो दोस्तों कुछ इंडेक्स संस्थाओं की वजह से यदि इस प्रकार की कुछ चीज़ें प्रकाशित होती हैं तो उस पर ध्यान न दें, क्योंकि उनका काम ही है और तमाम तरह के एक्सपोज भी हुए हैं। 2-3 साल पहले की घटना आपको पता होगा कि एक इंडेक्स निकलता है, सर्वेक्षण निकलता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत के कुछ जो शहर पूरी तरह से प्रदूषित हैं और वो पहले पायदान पे आए थे, साथ उसमें इलाहाबाद भी था, गाजियाबाद भी था। उसके बाद 2 दिन बाद उसमें तमाम तरह के करेक्शन किया गया। तो ये जो गड़बड़ियां कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से प्रचारित की जा रही, कृपया इस पर ध्यान ना दें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।